डॉक्टर पीरियड्स का जिक्र किया है, आजकल हम देखते हैं कि जो पीरियड्स हैं वो बहुत जल्दी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं 10 साल की हैं 11 साल की हैं उन्हें होने लगे हैं, फिर वो इतना ज़्यादा पेन जो कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, कई बार होता है कि पीरियड्स में खून ज़्यादा बहता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है जो बेरेबल नहीं होता है, क्या समस्या हो सकती है, क्या हमारा लाइफस्टाइल इस पे काफ़ी ज़्यादा असर करता है या कुछ और वजह हो सकती है, देखिए ऐसा है कि एज ऑफ मीनार के मतलब कि पीरियड जब किसी भी लड़की को शुरू होते हैं तो वो आजकल जो है वो एज ऑफ मीनार के बहुत छोटी हो गई है। पहले तो 14 साल 15 साल 16 साल के बच्चों को पीरियड शुरू होता था, अभी क्या होता है कि 9 साल 10 साल के बच्चों को, जबकि हम समझते हैं कि उनको किसी भी तरीके से एक बुद्धिमत्ता नहीं है उस बारे के बारे में, फिर भी उनको पीरियड शुरू हो जाता है और उसको संभाल पाना उनके लिए बहुत परेशानी का एक कारण बन जाता है। लेकिन जो एज ऑफ मीनार के आजकल जल्दी आई है वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से आई है। अगर हम पुराने जमाने में देखेंगे तो लड़के और लड़की के खान पान में कि हमारा एक मेल और फीमेल को बहुत एक डिफरेंस दिया जाता था, हम समझते थे कि लड़के को ज्यादा एक क्या कहते हैं ना इम्पोर्टेंस दी जा रही है और लड़की को कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो उसके खान पान में बहुत डिफरेंस हो जाता था। तो अब आजकल क्योंकि जो लड़के खाना खाते हैं वही लड़कियां खाना खाती हैं, जो लड़के जिस तरह की एक्टिविटीज करते हैं लड़कियां भी, क्योंकि अब हम सब बराबर है, तो उसकी बराबरी के चक्कर में हमारा एज ऑफ मीनार के थोड़ा सा जल्दी हो गया। और उसकी वजह से जब हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहता कि जैसे जिस वक्त पीरियड हो तो हमको रेस्ट करना चाहिए, हमें ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, हमें ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो बच्चे उस वक्त भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत एक्यूट पेन या फिर पीरियड बहुत हैवी फ्लो होना शुरू हो जाता है। अगर हम आयुर्वेदिक तरीके से बात कर, इसमें कई कारण कुछ अलग अलग बीमारियां भी होती हैं, जैसे कोई एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है किसी बच्चे को या किसी को पीसीओडी हो जाता है जिससे कई बार अर्ली पीरियड आते हैं, किसी बार लेट पीरियड आते हैं। तो इसमें अगर हम बोलें तो हमारा आयुर्वेदिक सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें आपका लाइफस्टाइल बताया गया है। लाइफस्टाइल से मतलब है कि आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, आप किस प्रकार की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप किस प्रकार के रहन सहन में रह रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर हम बोलते हैं कि तीन पिलर, देयर आर द थ्री पिलर्स ऑफ आयुर्वेदा, वन इज द डाइट, सेकंड इज द एक्सरसाइज, थर्ड इज द स्लीप। तो स्लीप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नींद उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हम रोज के काम करते हैं। और हम लोग आजकल मोबाइल वर्ल्ड में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में रहते हैं, तो किसी को नींद का कोई समय नहीं है। तो अगर हम प्रॉपरली सोएंगे नहीं, अपने मानसिक तनाव को कम नहीं करेंगे, हम खान पान में ज्यादातर जैसे कि बहुत ज्यादा गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करें, हम ज्यादा फल और सब्जियों का जिसको एल्कलाइजर शब्द बोल देते हैं कि उनका इस्तेमाल करें, तो हमारे क्या होगा कि पेट की संबंधित बीमारियां कम रहेंगी, जैसे कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, इनडाइजेशन नहीं रहेगा। हमने देखा है कि जिन बच्चों को ज्यादा कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन रहता है उन्हीं को ज्यादा पेनफुल पीरियड्स होने के चांसेस होते हैं। तो उस तरह का ट्रीटमेंट, कितना लेट होना एक चिंता की वजह बन जाता है।